नाउ लेट्स कंटिन्यू अवर टॉपिक. हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में गैल्वेनिक सेल, उसके कंस्ट्रक्शन को, उससे रिलेटेड कंसेप्ट सीख रहे थे. और मैं गैल्वेनिक सेल में डैनियल सेल समझा रहा था. उसी डैनियल सेल को मैं फर्दर एलाबोरेट कर रहा हूं. हमने कॉपर की एक इलेक्ट्रोड ली थी और इसे एक्वेस कॉपर सल्फेट में डिप करा था. दिस वॉज एक्वेस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. और जिंक इलेक्ट्रोड को एक्वेस ZnSO4 में डिप करा था. और हमने यह बात कंक्लूड कर ली थी कि मैं फिगर को भी बिल्कुल वैसा ही बनाता हूं जैसा पिछला लेक्चर में था, अदरवाइज अननेसेसरी कंफ्यूजन हो जाएगा. क्योंकि मैंने एनोड जो कि जिंक थी वो इधर लिया था, एक्वेस जिंक सल्फेट. और इधर मैंने कॉपर लिया था उस समय, और एक्वेस कॉपर सल्फेट. हमने यह बात कंक्लूड कर ली थी कि जिंक ऑक्सीडाइज होगा और जिंक आयन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर बढ़ेंगे. और जब यह जिंक ऑक्सीडाइज होकर जिंक आयन बनकर सॉल्यूशन के अंदर जाएगा, तब सॉल्ट ब्रिज जो कि कॉपर सल्फेट का है, इससे सल्फेट आयन नीचे उतर जाएंगे. सल्फेट आयन नीचे उतर जाएंगे और इस तरह से वह सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा. और जिंक आयन अपने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वजह से ऑक्सीडाइज होता जाएगा. इस तरह से एट एनोड जिंक ऑक्सीडाइज होगा जिंक आयन में. जहां कहीं पर भी ऑक्सीडेशन होता है हम उसे एनोड कहते हैं. जिंक इलेक्ट्रोड पर जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए जिंक इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहते हैं और इसे हम एनोड हाफ सेल कहते हैं. और जहां कहीं पर भी रिडक्शन होता है, जिंक आयन के द्वारा छोड़े गए इलेक्ट्रॉन वह इस एक्सटर्नल सर्किट के द्वारा, मेटालिक वायर के द्वारा ट्रेवल करते हुए कॉपर इलेक्ट्रोड पर पहुंचेंगे और कॉपर इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन से कॉपर आयन को खींच लेगा और वह इलेक्ट्रॉन कॉपर आयन के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएंगे और वहां पर मेटालिक कॉपर बन जाएगा. दिस वुड बी द रिएक्शन एट कैथोड. क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रोड पर कॉपर आयन का रिडक्शन हो रहा है, इसलिए कॉपर को हमने कैथोड कहा. दिस इज हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन दैट वुड ऑकर एट एनोड. दिस इज हाफ रिडक्शन रिएक्शन दैट वुड ऑकर एट कैथोड. जब कॉपर आयन रिड्यूस होएगा तो इस सॉल्ट ब्रिज से कॉपर आयन नीचे उतर जाएगा और सॉल्यूशन के अंदर कॉपर आयन कंसंट्रेशन कांस्टेंट मेंटेन रहेगा. वहां पर किसी तरह का कोई रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डेवलप नहीं होने पाएगा. इस वजह से यह रिएक्शन अपनी टेंडेंसी की वजह से होगी. वहां पर ओवरऑल यह रिएक्शन होगी E और Zn प्लस CO2 पॉजिटिव गिविंग यू Zn2 पॉजिटिव प्लस C. एनोड पर यह जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है,
इस रिएक्शन की टेंडेंसी और इस रिएक्शन का पोटेंशियल हम इस तरह से लिखते हैं, ई जेड एन टू जेड एन टू पॉजिटिव, दिस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक, एनोड पर होने वाली रिएक्शन की टेंडेंसी या एनोड पर होने वाली रिएक्शन का पोटेंशियल, कैथोड पर कॉपर आयन रिड्यूस हो रहे हैं इस तरह से, और इस रिएक्शन के ऑकरेंस की टेंडेंसी या इस रिएक्शन के ऑकरेंस के पोटेंशियल को इस तरह से लिखते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर आयन ई ऑफ CO2 पॉजिटिव टू CO, यह दोनों रिएक्शन एड अप होकर ओवरऑल यह रिएक्शन हो रही है। इस रिएक्शन यह इसलिए हो रही है क्योंकि इस रिएक्शन के ऑकर होने की कुछ टेंडेंसी है, इस रिएक्शन के ऑकर होने की टेंडेंसी को हम रिएक्शन पोटेंशियल कहते हैं, दैट इज ईएमएफ ऑफ सेल, द टेंडेंसी ऑफ द टू रिएक्शन गेट्स एडेड अप इन दोनों रिएक्शन की टेंडेंसी एड अप हो रही है, पहली रिएक्शन की टेंडेंसी और दूसरी रिएक्शन की टेंडेंसी, वो इस रिएक्शन की टेंडेंसी बन रही है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर आयन, द टू गेट्स एडेड अप एंड दैट इज द ओवरऑल रिएक्शन पोटेंशियल। हमने गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेशन लिख दिया था और हमने इस गैल्वेनिक सेल ईएमएफ को किसी भी रैंडम कंडीशन पर लिख दिया था और साथ में स्टैंडर्ड कंडीशन पर भी लिख दिया। स्टैंडर्ड कंडीशन पर लिखने के लिए हमने ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ जेड एन टू पॉजिटिव प्लस ई नॉट ऑफ सी टू पॉजिटिव टू सी ई नॉट ऑफ और स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर आयन, और इन्हें रिलेट करने के लिए हमने नर्स्ट इक्वेशन भी लिख दी थी, और वह जो नर्स्ट इक्वेशन लिखी थी दैट वॉज ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस आर टी बाय एन एफ इंटू लॉन ऑफ इक्विलिब्रियम कॉस्ट एंड डेफिनेशन ऑफ रिएक्शन ऑकरिंग इन टू इट, यह लिखा था हमने, और नर्स्ट इक्वेशन को अलग अलग फॉर्मेट में लिख दिया था, और जो लास्ट आर्टिकल में समझा रहा था, हम देखें जब यह फिनोमेना जब इधर कोई इलेक्ट्रिक बल्ब लगा हुआ होगा जब करंट फ्लो होगा, सबसे पहले तो देखें इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जिंक इलेक्ट्रोड से इस तरह से ड्रिफ्ट हो रहे, तो सर्किट में करंट हमेशा अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब सर्किट में करंट इस तरह से होएगा, यह जो सेटअप है पूरा, यह पूरा सेटअप कैथोड हाफ सेल एंड एनोड हाफ सेल, ये पूरी बैटरी होती है, कोई सी भी बैटरी जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे मोबाइल में लगी हुई है या जो इस तरह के डिवाइस में लगी हुई है, यह वह बैटरी है। इस बैटरी में एक्सटर्नल सर्किट में आप देखें करंट कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है, बैटरी के इस टर्मिनल पर पॉजिटिव साइन इंडिकेटेड रहता है क्योंकि करंट इधर से जा रहा है, और इस टर्मिनल पर नेगेटिव साइन इंडिकेटेड रहता है। एक्सटर्नल सर्किट में करंट कैथोड से एनोड की तरफ जाता है और इंटरनल सर्किट में करंट एनोड से कैथोड की तरफ जाता है। एक्सटर्नल सर्किट में करंट इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट के रूप में दिखाई देता है, जबकि इंटरनल सर्किट में करंट इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट के रूप में नहीं दिखता है, वो फ्लो ऑफ आयंस के रूप में दिखता है। जरा देखें कैसे,
इधर जिंक आयन जा रहे हैं, पॉजिटिव आयन इस तरफ जा रहे हैं, करंट उसी डायरेक्शन में जाता है जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव आयन जा रहे हैं, और इधर सल्फेट आयन इस तरह से ट्रेवल कर रहे हैं। सल्फेट आयन जो नेगेटिव आयन है वो इस तरह से ट्रेवल कर रहे हैं, नेगेटिव आयन इस तरह से ट्रेवल कर रहा है मतलब करंट इस तरह से जा रहा है। फिर इधर कॉपर आयन नीचे जा रहे हैं और इधर कॉपर आयन, इस तरह से गैल्वेनिक सेल के अंदर जो करंट है वो आयंस के फ्लो के रूप में दिखाई दे रहा है। हम देखें जिंक आयन का कंसंट्रेशन इस एनोड हाफ सेल में बढ़ता जाएगा, सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, इस एनोड हाफ सेल में जिंक सल्फेट का कंसंट्रेशन बढ़ता ही जाएगा, जबकि कॉपर हाफ सेल में किसी भी आयन के कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यदि एक कॉपर आयन रिड्यूस होएगा तो एक कॉपर आयन सॉल्ट ब्रिज से नीचे भी आ जाएगा, सल्फेट आयन इधर पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा। तो फिर रिड्यूस क्या चीज हो रही है, रिड्यूस सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो कॉपर सल्फेट है ना वो रिड्यूस हो रहा है, वो कॉपर आयन नीचे आ रहा है, सॉल्ट ब्रिज के अंदर से कॉपर सल्फेट कम हो रहा है, सल्फेट आयन इधर नीचे उतर रहे, कॉपर आयन इधर नीचे उतर। इस तरीके से इस गैल्वेनिक सेल में आयंस का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है। अब मेरा सवाल बड़े ध्यान से, जैसे यह डिवाइस है, इट्स अ ट्रांसमीटर, वॉइस रिसीव कर रहा है, वॉइस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वॉइस को पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, फिर वह इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट हो रहा है, वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल इधर से एमिट हो रहा है और वहां एक रिसीवर है, उस रिसीवर में रिसीव हो रहा है। सो इस पूरे काम में एनर्जी की आवश्यकता है और उस एनर्जी को डिराइव करने के लिए इसके अंदर बैटरी है, और खास बात वह बैटरी कुछ दो चार घंटे काम करती है और हर दो चार घंटे के बाद में हमें वह बैटरी बदलना पड़ता है। उस बैटरी को बदलते समय हम कहते हैं बैटरी खत्म हो गई, जरा नई बैटरी डालो। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस, बैटरी खत्म हो गई, इस बैटरी ने काम करना बंद कर दिया, यह गैल्वेनिक सेल तीन लिमिटिंग कंडीशन बनेगी, हम कहते हैं तीन लिमिटिंग कंडीशन बनेगी और उन तीन लिमिटिंग कंडीशन पर यह गैल्वेनिक सेल काम करना बंद कर देगा। क्या आप सोच सकते हैं कि वह कौन सी तीन लिमिटिंग कंडीशन बनेगी? पहली कंडीशन, एनोड पर जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज होकर सॉल्यूशन के अंदर जा रहा है, जैसे जैसे एनोड पर जिंक ऑक्सीडाइज होएगा एनोड का वजन कम होएगा, एनोड छोटी होती जाएगी। पहले लिमिटिंग कंडीशन, यदि इस जिंक इलेक्ट्रोड पर जिंक ही खत्म हो जाए, ऑक्सीडाइजेबल जिंक यदि वही खत्म हो गया तो हम कहते हैं जब ऑक्सीडेशन बंद, ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि गैल्वेनिक सेल खत्म हो गया, अब उसमें नई रॉड डालो, नई जिंक रॉड डालो तो दोबारा काम चालू। There is the first limiting condition. Another limiting condition which may arise is, भाई कॉपर आयन सॉल्ट ब्रिज से इधर उतर रहा है, सल्फेट आयन इधर उतर रहा है। मान लीजिए सॉल्ट ब्रिज में कॉपर सल्फेट कम पड़ जाए और सॉल्ट ब्रिज के अंदर कॉपर सल्फेट की कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाए, सॉल्ट ब्रिज के अंदर कॉपर सल्फेट की कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाए, या यहां कहें कि सॉल्ट ब्रिज में कॉपर सल्फेट कम पड़ जाए, कॉपर सल्फेट खत्म हो जाए, दिस इज अनदर लिमिटिंग कंडीशन। इस केस में भी हम कहेंगे कि वहां पर गैल्वेनिक सेल ने काम करना बंद कर दिया, उसको चेंज करना पड़ेगा, नया सॉल्ट ब्रिज डालना पड़ेगा, उसमें कॉपर सल्फेट दोबारा भरना पड़ेगा। तीसरी कंडीशन क्या आप में से कोई सोचकर बता सकता है?
लास्ट इक्वेशन को देखिए, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 आर टी बाय 2F लॉग ऑफ जिंक आयन कंसंट्रेशन अपॉन कॉपर आयन कंसंट्रेशन। बड़े ध्यान से समझ जाए इस बात को। E नॉट ऑफ सेल दिस इज अ कॉन्स्टेंट, यह एक कॉन्स्टेंट वैल्यू। स्टैंडर्ड कंडीशन पर जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कॉपर आयन का रिडक्शन पोटेंशियल फिक्स और कॉन्स्टेंट वैल्यू, और वही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टैबुलेटेड है। E नॉट ऑफ सेल कॉन्स्टेंट है स्टैंडर्ड कंडीशन। अब जैसे जैसे यह रिएक्शन हो रही है, यह टर्म भी कॉन्स्टेंट है। जैसे जैसे यह रिएक्शन हो रही है, कॉपर आयन तो कॉन्स्टेंट है, मगर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक आयन कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। कॉपर आयन तो कॉन्स्टेंट है, जिंक आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। लॉग के अंदर यह क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, लॉग के अंदर इस क्वांटिटी के बढ़ने से यह पूरी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, यह क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, नेगेटिव साइन वाली क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। एक ऐसी कंडीशन बन सकती है जब वहां पर जिंक रॉड है, रिड्यूसिबल कॉपर सल्फेट सॉल्ट भी है, मगर इस सॉल्यूशन के अंदर जिंक सल्फेट कंसंट्रेशन इतना बढ़ गया, जिंक आयन कंसंट्रेशन इतना बढ़ गया, यह पूरी क्वांटिटी इतनी अधिक हो गई, यह E नॉट ऑफ सेल के बराबर हो गई और E ऑफ सेल बिकम्स जीरो। जब E ऑफ सेल बिकम्स जीरो, वी अचीव द कंडीशन ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। दिस इज द कंडीशन ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। द गैल्वेनिक सेल सीजेस टू वर्क। नाउ द गैल्वेनिक सेल वुड नॉट डू एनी इलेक्ट्रिकल वर्क, वहां कोई करंट नहीं होएगा। अब इस वोल्ट मीटर को यदि आप कनेक्ट करोगे और इस वोल्ट मीटर के अक्रॉस पोटेंशियल देखोगे, जीरो दिखाई देगा। दिस इज द थर्ड लिमिटिंग कंडीशन फॉर एनी गैल्वेनिक सेल टू वर्क। गैल्वेनिक सेल वर्किंग की तीसरी लिमिटिंग कंडीशन। मैं समाप्त करा दूं, या तो जिंक इलेक्ट्रोड खत्म हो जाए, या कॉपर सल्फेट सॉल्ट कम पड़ जाए सॉल्ट ब्रिज में, या फिर रिएक्शन में जिंक आयन कंसंट्रेशन इतना अधिक हो जाए कि वहां ईएमएफ ऑफ सेल जीरो हो जाए, और इस ईएमएफ ऑफ सेल के जीरो हो जाने से डायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन एस्टैब्लिश हो जाए। हम कहते हैं किसी भी गैल्वेनिक सेल के लिए, फॉर एनी गैल्वेनिक सेल, यदि ईएमएफ ऑफ सेल पॉजिटिव आ जाए, तो इसका मतलब होता है गैल्वेनिक सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, इट वुड ऑकर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब होता है गैल्वेनिक सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और यदि किसी गैल्वेनिक सेल के लिए ईएमएफ ऑफ सेल की वैल्यू यदि नेगेटिव आ जाए, तो इसका मतलब होता है कि उस गैल्वेनिक सेल की रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी,
फॉरवर्ड गैल्वेनिक सेल रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस एंड बैकवर्ड गैल्वेनिक सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस. इसका मतलब होता है गैल्वेनिक सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इन बैकवर्ड डायरेक्शन. और यदि गैल्वेनिक सेल के लिए किसी कंडीशन पर ईएमएफ ऑफ सेल जीरो आ जाए तो वह कंडीशन मैंने पहले ही बता दी, नाइदर फॉरवर्ड रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस नॉर बैकवर्ड रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, द डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नाइदर फॉरवर्ड नॉर बैकवर्ड रिएक्शन ऑकर. अब इस सिचुएशन में ना तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी और ना ही बैकवर्ड रिएक्शन होगी. नेक्स्ट इक्वेशन के द्वारा हम ईएमएफ ऑफ सेल निकालेंगे. नेक्स्ट इक्वेशन लिखने का तरीका हमने बता दिया, ई नॉट ऑफ सेल मींस ईएमएफ ऑफ सेल एट स्टैंडर्ड कंडीशन. तो कैसे आएगा वह एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, टेम्परेचर कंडीशन सब्स्टिट्यूट करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देखेंगे, फैराडेस कांस्टेंट आर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये वैल्यू पूरी पता है 0.0591, लॉग ऑफ जो भी रिएक्शन हो रही है उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डेफिनेशन लिखेंगे और उसमें आयंस के कंसंट्रेशन को जो भी कंडीशन ली गई है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे. हमने थर्मोकेमिस्ट्री में एक कंसेप्ट पढ़ा था, द कंसेप्ट ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी. वी यूज्ड टू से गिब्स फ्री एनर्जी वी डिनोटेड बाय कैपिटल जी, इट्स द मैक्सिमम एनर्जी available with the system in order to do useful work. मैं पहले इस पूरे आर्टिकल को साफ कर रहा हूं. मैं अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और थर्मोकेमिस्ट्री में रिलेशनशिप बनाना चाह रहा हूं इस गैल्वेनिक सेल के लिए.